आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चिन्नौर पशु चिकित्सालय में AVFO ओम प्रकाश अम्बक के द्वारा पशुपालन डेयरी लोन के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत ली गई। एक साल होने के बावजूद भी आज तक पैसा न फेरा न लोन पास कराया। आरोप लगाते हुए हरजिंदर सिंह करसौदिया वीडियो में देखे हितग्राही और फील्ड ऑफिसर झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में पशु चिकित्सक VAS डॉक्टर रामवरण सिंह जेरोनिया का कहना, यह मामला 1 वर्ष पहले का है, मुझे आए अभी 2 माह हुए हैं। अगर फील्ड ऑफिसर ने किसी हितग्राही से रिश्वत ली है तो मुझे लिखित में शिकायत दे दो, मैं वरिष्ठ कार्यवाही के लिए भेजूंगा। कितने पैसा दे दे तुमने जिन्हें जिन्हें लाए कर बड़े डॉक्टर काय के हैं डेयरी लोन के दे रहे फिर बेच दे। आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? साले को हो गया पैसे नहीं दे रहे। काय के नाम काय के नाम पे दिए नहीं कोई 20,000 डेयरी के लाने। अच्छा जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? 10 तारीख के बाद तो आचार संहिता लगी है। आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपने 20,000 रुपए लिए हैं इनके डेयरी के लोन के नाम पे, ना तो आपने लोन सुपुर्द कराया है और ना ही पैसा दे रहे हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? तो डेयरी के काम में इनका आवेदन आ रहे थे, सुनो वही आवेदन डुप्लीकेट बना कर आया। डुप्लीकेट मेरी बात ना, बैंक में चले जाओ आप तो ना, नहीं ठीक, सेंट्रल बैंक चिन्नौर में ना नहीं। अगर इनके आवेदन नहीं मिले तो बात करना। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अम्ब। अच्छा अच्छा, तो क्या 20,000 रुपए लेने के बाद ही लोन रसू कराते हो क्या आप? नहीं, तो फिर आप पे सामने आरोप लगा रहे हैं कि आपने रिश्वत के 20,000 रुपए लिए। 20,000 रुपए किसके लिए हैं आपने? इनके कार के लिए लिए थे। कार तो मना बना नहीं है। आपका क्या कार था इनके पास? आपका क्या काम करा रहे थे उसके नाम? लोन पास करवाया था। तो आपका लोन पास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? डॉक्टर रामवरण सिंह जिनौरिया। आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? पशु चिकित्सालय VS की पोस्ट पे हैं। तो लखविंदर सिंह निवासी घरसौंदी ने आपके फील्ड ऑफिसर पर आरोप लगाया है कि लोन के नाम पर 20,000 रुपये लिए गए हैं 1 वर्ष पहले, ना तो लोन सुपुर्द कराया है और ना ही पैसा वापस किया जा रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पशु विभाग में आपके सुपरवाइजर के द्वारा खुलेआम रिश्वत ली जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिश्वत ली गई है या जो पैसे लिए गए हैं काम कराने के लिए, तो उसके बारे में मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मेरे सामने लिए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ पर और ये प्रकरण 1 साल पहले का है, तो इस बारे में मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि इसने पैसा लिया है कि नहीं लिया है। खुलेआम अगर वो भी आरोप लगा रहा है, आरोपी आपके इसी विभाग में, नहीं आरोप अगर लगा रहा है वो, तो उसका ये रहेगा कि उसको लिखित में आवेदन देना चाहिए, तो हम उसको वरिष्ठ कार्यालय में भेजेंगे, तो जो भी आगे उचित कार्रवाई रहेगी। चिन्नौर संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।